हेलो, कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छी तो हूँ ही, अब खुश हूँ तो अच्छी हूँ। और खुश होने का रीज़न आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। मेरा चैनल मोनो हो गया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच, आप सबका थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मेरा, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि 0 से लेके और 1K तक और 1K से अभी मोनो तक का सफ़र कितना टफ रहा है। बहुत मतलब, बट कोई नहीं, आप लोग का कदम कदम पे साथ रहा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते थे और उसी को लेके अगर आगे बढ़ने की बात कही जाए तो सच में बताऊं, उसी कमेंट के थ्रू, आपके जो कमेंट आते थे प्यारे प्यारे से और आप जो वीडियो को लाइक करते हैं उस लाइक को देख के, उससे हम लोग को कुछ मिलता नहीं है। एज ए यूट्यूबर हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है, बट आपका वो एक लाइक या एक डिसलाइक हमें ऊपर या नीचे की तरफ ले जाने की ताकत रखता है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों को बहुत सारे लोग आगे डिसलाइक दे जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचते हैं कि कोई नहीं, क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बट नहीं, करता है, टच करता है, सच्ची बताएं तो सचमुच करता है। तो लेकिन हाँ, अगर आप डिसलाइक भी दिया करें तो ज़रूर बता दिया करें कि किस लिए दिए हैं। और मेरे इतने प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो मुझे YT पे आके मिले। YT मतलब दोस्त क्या, एक पूरी फैमिली ही मिली मुझे। मेरे पास बड़ा भाई नहीं है तो मुझे बड़े भाई भी मिले, छोटी बहनें भी मिली, बड़ी दीदी भी मिली और बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रिश्ते मिले भाई बहन के, जो बहुत ज़्यादा टच कर गए। और मैं नाम अगर लेना स्टार्ट करूं तो सच बताऊं, 9 से 10 महीने हो गया मैंने मुझे चैनल बनाए हुए। इतने टाइम में अगर मैं 1 by 1 करके नाम लूँ ना तो शायद सुबह हो जाएगी। इतने सारे मुझे भाई बहन मिले हैं तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं किसी का नाम लेके आपको नहीं बताऊंगी, बट बहुत ही प्यारे प्यारे मुझे दोस्त मिले हैं, भाई मिले हैं और आप लोगों का साथ मिला है। आप भाई बहनों का मुझे साथ मिला है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी या फिर मैं YouTube पे वीडियो डाल पाऊंगी। मैं अगर आप मेरी पीछे की वीडियो जाके देखेंगे तो सच बताऊं, मुझे कैमरे के सामने बोलना भी नहीं आता था, मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं काफ़ी दिनों तक तो मैंने ऐसे ही वीडियो डाला जहाँ पे मेरी सिर्फ आवाज़ आती थी। और मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे कई यूट्यूबर हैं, जैसे कि काफ़ी बड़ी यूट्यूबर ग्लैम विद प्राची, वो मेरी जिठानी की भतीजी हैं, और प्रिया दीप दी, वो मेरे मायके से हैं, है ना। और अभी इन रिश्तों के साथ एक रिश्ता नया और हमारा जुड़ा अभी सडनली। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देखिएगा, लखनवी गर्ल रुचि के साथ। तो सच में ये लोग इतने अच्छे, इन लोगों से एक सीख मिली, कुछ नया करने की सीख मिली, सोच मिली। और थैंक यू आप सभी लोगों का, आप लोग को देख के ही हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हैं। तो बहुत कुछ तो मुझे दिल में इतनी सारी बातें हैं, सच्ची बताऊं मैं नहीं समझ में आता। कैमरा ऑन रहता है तो सब कुछ भूल जाता है, कैमरा ऑफ होता है तो बहुत कुछ याद आता है कि मुझे बहुत कुछ आप लोगों से बात करनी है, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ आप लोगों की सुनना है कि नहीं। बट कैमरा ऑन होते ही सब गायब, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। यहाँ तक कि मैं, मेरे से इंट्रो भी नहीं बनता है इस ढंग से क्योंकि कैमरा ऑन होता है। तो अभी ऑफ कैमरा अगर कोई मुझे नहीं बोले कि आप क्या कर रहे हैं, मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बहुत कुछ अपने दिल की बातें आप लोग से शेयर कर सकती हूँ, बट इसमें नहीं हो पाता है। कोशिश कर रही हूँ जितना भी हो पा रहा है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, बने रहिएगा, हमेशा मेरा साथ देते रहिएगा। आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें ही नहीं, एज ए यूट्यूबर जितने भी यूट्यूबर आपको दिख रहे होंगे सबको ज़रूरत है। तो जो भी वीडियो मैं फोर्स, ये नहीं कहूँगी कि मैं प्रेशर नहीं दे रही हूँ आपको कि आप मेरा ही वीडियो देखिए। अगर मेरी वीडियो आपके लायक हो, आप
को कुछ दे रही हो तो आप जरूर देखिएगा मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूं वो आपको मिलती रहे। और मैं इतनी खुश हूँ, सच्ची बताऊं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं शायद कई जगहों पर दिशा भटक बात कर रही हूँ तो, लेकिन क्या करूं, इतनी सारी बातें हैं तो जो दिमाग में आ रही है, कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म शायद नहीं समझ में आ रहा मुझे भी, बट कोई नहीं, अब इतनी खुशी है तो सारी YT फैमिली को, सब लोगों को दिल से थैंक यू सो मच। और प्लीज अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, चैनल मोनो हो जाने से कुछ नहीं होता है बट एक सीढ़ी जरूर मिल जाती है, तो एक फिर से एक कदम आगे बढ़ी हूँ। जब 1K किया था तो लगा था कि एक कदम आगे बढ़ चुकी हूँ, बट अभी दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप क्रॉस कर ली हूँ ये मैं सोच रही हूँ। तो आप अपना साथ जरूर बना के रखिएगा मेरे साथ, और मेरी वीडियो अपने अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो। मैं कुकिंग की वीडियो लेके आती हूँ, जो कि लोग कहते हैं ना कि हर किसी के दिल का रास्ता जो है वो पेट से होके गुजरता है, तो मैं वहीं पे काम करती हूँ। तो प्लीज जरूर से जरूर मतलब देखिएगा एक बार आके, जो भी कमियां हो मेरे चैनल पर वो मुझे बताइएगा। और एक चीज मैं और आप लोग से कहना चाहती हूँ कि मेरा जो है ना चैनल का नाम रजनी लाइफ स्टाइल विथ कुकिंग या एंड कुकिंग, कुछ भी कह लीजिए आप, तो ये है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं कुकिंग को और लाइफ स्टाइल को अलग कर दूं? मुझे ऐसा लगा कि दो चैनल होगा, फिर आप लोगों को दो चैनल सब करके रखना पड़ेगा और दो का नोटिफिकेशन जाएगा। आपके लिए इजी करते हुए मैंने दोनों चीजों को एक में समेट रखा है कि मैं कुकिंग का वीडियो भी इसी पे डालती हूँ और ब्लॉग नहीं बनाती हूँ मैं, लेकिन कहीं घूमने गए या कुछ इस तरीके की मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो वो मैं आप लोग के तक जरूर पहुँचाती हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि अलग कर देना चाहिए तो मुझे प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप उस चीज को, और मैं उस चीज को अलग कर लूंगी, और नहीं तो फिर एक ही में, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि एक ही में ज्यादा बेटर है, तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए, बहुत सारी गपशप नहीं करते हुए फिर से एक बार दिल से सबको दिल से थैंक यू सो मच, सारी YT फैमिली को थैंक यू सो मच, बहुत मेहनत किया सब लोगों ने मेरे साथ, तो सारे भाई बहनों को थैंक यू। चलिए पार्टी एंजॉय करते हैं, इस खुशी में मैंने छोटी सी एकदम छुट्टू सा केक और छोटी सी पार्टी रखी है, तो चलिए अब हम सब लोग एंजॉय करते हैं। और मैं अभी आपको अपनी भतीजी से और अपनी भाभी से भी मिलवाऊंगी, तो चलिए मिलते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग आ चुके हैं पार्टी करने के लिए, बैठ चुके हैं, थोड़ी सी तैयारियां चल रही थी। और ये मेरा बेटा है, आप लोग तो जानते ही होंगे, अनी अक्षय कुछ भी बोल सकते हैं। तो और ये बगल में जो बैठी है ना, ये मेरी भतीजी है। बहुत बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मस्ती की। और एक्चुअली में ना वो सेट नहीं हो पा रहा था कि कहाँ से रखें तो आप लोग को अच्छे तरीके से दिखे, और ये और ये साइड में दिख रही होंगी मेरी भाभी। वो ना जो कैंडल से निकलना था ना, वो थोड़ी सी आवाज करके निकला था, तो उसकी वजह से हम लोग डर गए थे, मतलब जो भी बैठे थे वो चौंक गए थे। और ये मेरी देवरानी का बेटा अनंत, बहुत शौकीन है ये, तो पता सब लोग पूछ रहे थे, पता म्यूजिक पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब ने म्यूजिक जोर जोर से चला रखे थे सब लोग, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा, बाकी तो मस्ती बहुत हुई। तो ये हुआ कि क्या बोला जाए, तो ये हैप्पी मोनो यही चल रहा था। और मेरी भतीजी का नाम भी मोनू है, घर में हम लोग उसको प्यार से मोनू बुलाते हैं, वैसे तो सर्विष्ठा है। और ये मेरी देवरानी है साइड में जो दिख रही है आपको, तो हम सब लोग मिलके मस्ती किए। और ये लीजिए आप लोग केक खा लीजिए, सबसे पहले बाइट तो आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि ये आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है ये खुशी। और हर खुशी में फैमिली तो होनी चाहिए, आप लोग के साथ साथ मैंने अपनी यहाँ की फैमिली को भी इकट्ठा कर रखा था। और मेरी भाभी जो है वो टीचर हैं, तो बेचारी दिन भर स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बना बना के थक गई थी, शाम को ऐसी थकी हारी आई हुई थी। और ये मेरी देवरानी, आप लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे होंगे ना मेरी देवरानी से,
इसके पहले आप लोग नहीं मिले थे, तो ये मेरी देवरानी है। सासू माँ से तो मैंने मिलवाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये देवरानी का बेटा। तो एक्चुअली में मेरे घर में कोई इस तरीके का, मतलब अभी कोई यूट्यूब वगैरह ऐसा यहाँ पे नहीं था, तो थोड़ा सा सबको लग रहा था ना क्या कैसी पार्टी। और ये देखिए मेरी सासू माँ आ चुकी हैं, आप लोग तो पहले से मिल चुके हैं, और ये देखिए इनके नखरे है ना। तो ये चाय लेके आई हैं, साथ में चाय पी रही थी बाहर, तो मैंने इनको जबरदस्ती बोला कि नहीं आ जाइए, ये आना नहीं चाहती है कैमरे के सामने, बट मैंने बुला लिया और मैंने मम्मी का आशीर्वाद भी लिया केक खिला के। तो मम्मी ने पूछा अभी क्या हो गया, अब क्या होगा है ना। तो अभी मेरे हबी आ गए हैं ऑफिस से, और जैसे आए थे बेचारे वैसे तुरंत ही मैंने इनको बैठा लिया, ये हल्का सा आप लोगों से हेलो बोल लिए हैं, और अभी नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई है। हम लोगों ने कुछ फिर उसके बाद खाया पिया और समोसा।